हेलो एंड वेलकम टू दिल फूटिया ना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप सब सेफ हैं। जी हाँ, हमें सेफ रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह पर। बिना वक्त बर्बाद किए उस जगह का नाम आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उसके पहले बता दूँ मौसम है बेहाल, गर्मी में हालत ख़राब है, तो सोचा मैं कहाँ जाऊँ। रिसेंटली लास्ट वीक मैं रूफ टॉप होकर आई हूँ, तो वो रूफ टॉप का अभी भी फीवर, मेरे वो हैंग ओवर जो होता है ना, वो अभी तक उतरा नहीं है। तो मैंने ढूंढ के निकाला है ऐसा ही कोई रूफ टॉप कैफ़े, और जो है बहुत ही एक अच्छे से रेसिडेंट एरिया में, और उस जगह का नाम है रसोना रूफटॉप कैफे। तो ये एंटर कर गए हैं हम रसोना रूफटॉप कैफे। देखिए यहाँ पर हमें पूरा एरो लिखा हुआ है छादे चौलो, तो रूफटॉप मतलब बंगाली में छत, टेरेस। तो हम जा रहे हैं रूफटॉप कैफे। तो ये एक बिल्कुल ही रेसिडेंशियल एरिया में है, और सिर्फ रेसिडेंशियल एरिया ही नहीं, ये एक रेसिडेंस के अंदर है। तो ये बहुत ही अच्छा, इन्होंने अपने घर के अंदर ही बहुत ही एक क्रिएटिविटी है कि चलो अपने घर के स्पेस को यूटिलाइज करते हैं। एंट्री में ही एक्वेरियम इन्होंने रखा है, विच इज़ कहते हैं अकॉर्डिंग टू फेंग शुई इट्स अ नाइस साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये इन्होंने दीवारों पर बहुत अच्छी तरह से एकदम सुंदर से वी आर कोलकाता वासी, यस वी आर कोलकाता वासी। देखिए कितनी खूबसूरती से अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा है। वेरी नाइस, अपने स्पेस को यूटिलाइज करना बहुत अच्छी तरह से, एंड True love, oh my god, true love. This was trending and still it's trending. पेछोने दिखे एगिए जान दादा। पहली बार मैंने अपना सेल्फ शूट किया था अपने घर पे, और सेकेंड टाइम मैं कर रही हूँ बाहर, यानी कि ये बाहर के हिसाब से ये मेरा पहला सेल्फ शूट है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेट्स सी वॉट कम्स वेल। मैं सच में आई एम अनेबल टू डू इट, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट सो दैट आई कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और ये आप देख रहे हैं माहौल यहाँ का बिल्कुल एकदम पूरा डिम लाइट है, एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये देखिए बाहर बिल्कुल एकदम, अभी पूरा शाम हो चुका है, सनसेट हो चुका है एक्चुअली, एंड सिर्फ यहाँ एकदम लाइट जल रहा है, डिम लाइट, दैट टू डिम लाइट, इट्स वेरी रोमांटिक, बहुत गजब, एकदम मज़ा आ रहा है। लाइक यू नो बहुत लाइट भी इन्होंने बहुत एकदम लिमिट में रखा हुआ है, सो दैट यू नो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर फ्रेंड्स और फॉर सम कपल टाइम टुगेदर। जस्ट सी, अच्छा नीचे लाइट्स है, अच्छे खासे नीचे लाइट है। आप बाइक वाइक भी यहाँ पर पार्क अप कर सकते हैं, ये रहा। और वैसे मैं आप लोगों को यहाँ का लोकेशन बता दूँ, यहाँ का लोकेशन है बहुत ही इजी, जस्ट आपको आना है बेहाला चौरास्ता, और चौरास्ता से अगर आप आ रहे हैं बेहाला साइड से, तो चौरास्ता से आपको राइट साइड लेना पड़ेगा, और अगर आप शौकीर बाजार साइड से आ रहे हैं या तो ठाकुर पुकुर साइड से, तब आपको चौरास्ता से लेफ्ट लेकर एकदम सीधे आना पड़ेगा, और आपको मिलेगा ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके जस्ट बैंक ऑपोजिट जो लेन जाती है वहीं पर है ये रसोना रूफ टॉप कैफे। वैसे आज तो हमारे साथ है सब बच्चे बच्चे लड़के, तो देखते हैं। तो अभी मुझे पता चला है कि इन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मार तो सकती नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं करवाती हूँ सब्सक्राइब इन लोगों से। इन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। चलो तुम लोग अपना अपना नाम बताओ। मेरा नाम विशाल है। मेरा नाम हाय गुरु विशाल एंड संतोष। आपका नाम क्या है सर? विक्रम। बोलो पापा ऑफ दक्ष। पापा ऑफ दक्ष, तो ये भी न्यूली फादर बने हैं हमारे साथ है, न्यू फादर, बच्चा को छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। लो अभी कॉन्ग्रेचुलेशन भी सब अभी कर रहे हैं। सो हमारा सब्र खत्म हुआ, और ये आ गया है चिकन डायनामाइट। चिकन डायनामाइट, चिकन डायनामाइट इज़ जस्ट 135, और ये चिकन डायनामाइट देखकर मुझे बॉन्ग बेली कैफ़े की याद आ गई, क्योंकि लास्ट चिकन डायनामाइट मैंने वहीं बॉन्ग बेली कैफ़े में ट्राई किया था, जो बहुत ही बढ़िया था। जस्ट सी द टेक्सचर ऑफ दिस, इसमें भी वैसा ही क्रंचीनेस है, और सबसे बड़ी बात है देखिए हर कैफ़े की, हर जगह की अपनी अपनी खासियत होती है।
या हर शेफ की अपनी अपनी खासियत होती है, तो उनका उनके स्पेस पे वो बहुत जायकेदार था, वो बहुत ही अमेजिंग था चिकन डायनामाइट। मैं अभी भी आप लोगों को बोलूंगी, अगर आप कभी भी बॉम्बे कैफे जाते हैं तो आप लोग जरूर से चिकन डायनामाइट ट्राई कीजिए, और यहाँ आप रसूना कैफे जब भी आते हैं तो यू डेफिनेटली ट्राई दिस चिकन डायनामाइट, बिल्कुल आप इसे मिस मत कीजिए। हमारा दूसरा ऑर्डर क्या है, तो हियर कम्स माय सेकंड ऑर्डर आल्सो, चीज चिकन मोमो एंड ये बताओ 135 130। सो अमेजिंग यार, ये तो पूरा चीज एकदम, मतलब ये लग रहा है कि एकदम गोते खा रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है मुझे सेल्फ शूट करने में, सच में हैट्स ऑफ टू दोस पीपल जो सच में खुद से करते हैं यार। वो ये लग रहा है बंगाली का वो क्या बोलते हैं वो पीछे 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 एग्जैक्टली पीछे। लवली, पूरा गया, अच्छा खासा कैलोरी गया। मोमो की स्टफिंग अमेजिंग, नो डाउट। ऊपर से इन्होंने पूरा चिली फ्लेक्स इन्होंने स्प्रिंकल कर दिया है एंड चीज। बट यस, इसको जब भी आप ऑर्डर करें एकदम इंस्टेंट मेक श्योर आप एकदम फटाफट एकदम खा लें, बहुत मजा आएगा आपको। पूरी तरह से चिकन दिख रहा है, इट्स नॉट दैट कि जस्ट इन्होंने सूप दे दिया, इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड दिस इज द ड्रिंक, मतलब ये प्राइस वर्थ इट है, ये प्राइस वर्थ इट है, डायनामाइट का प्राइस भी वर्थ इट है एंड दिस इज वेरी रीजनेबल। और ये है स्काई डिलाइट, स्काई डिलाइट इज जस्ट 1 month old। ये तो मैंने जस्ट एकदम बॉटल को ही हाफ कर दिया इमीडिएटली। नाइस, एक अच्छा सा फ्लेवर, वो थोड़ा सा वो कोकोनट टाइप का थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है, बहुत अमेजिंग। चिकन चाउमीन है कॉम्बो, कॉम्बो अच्छा। तो ये है हमारा चिकन स्टेक विच इज जस्ट 210 rupees। ये एक अच्छा खासा चिकन का ब्रेस्ट पीस है, फॉलोड विद सम मैश्ड पोटैटोज इन इट एंड ऑफ कोर्स फ्यू एक्सोटिक वेजीज। इन्होंने क्रंचीनेस रखा है, मैश पोटैटो थोड़ा सा इनका, मुझे स्टेक थोड़ा सा हार्ड लग रहा है बट मैश पोटैटो इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हैं, मैश पोटैटो को चोखा, पर ये प्लेन चोखा है शैतान, इसको मैश पोटैटोस अब चोखा को डिप करके खा रहा नहीं बोला नहीं ये, लेकिन मेरे बाबा सच में नूडल्स को भी ना हाथ से ही खाते हैं। हाँ। मेरे बाबा हाथ से खाते हैं, हाथ से खाते हैं हम। ये खाएंगे ना तो बोलेंगे मेरा मुंह कट जाएगा, तो तुम लोग भी हाथ से खाते हो गए। पर अभी तो फिलहाल कैमरा बजट के हिसाब से 210 में इफ यू आर एंजॉयिंग वन ब्रेस्ट पीस ऑफ चिकन विद सम मैश पोटैटोज एंड फ्यू एक्सोटिक वेजीज देन दैट्स नॉट बैड। रिफ्रेशिंग चिली लेमन मिंट, रिफ्रेशिंग चिली लेमन मिंट, इतना टाइम लग गया। अगर आप सबने हमारा अपटाउन वाला अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो तो उसमें देखिए, उसमें है एकदम गजब वाली जो तीखी ड्रिंक होती है वो फायर एंड आइस, वो आप ज़रूर देखिए। अगर आप कोई भी आप तीखा ड्रिंक अगर आप पसंद करते हैं तो देन यू विल नो व्हाट एक्चुअली स्पाइसी ड्रिंक इज एंड दिस इज जस्ट 99 rupees ये ड्रिंक का।
स्पाइस उतना ज़्यादा नहीं है, स्पाइस उतना ज़्यादा क्या बिल्कुल नहीं है, बट हाँ रिफ्रेशिंग ये ज़रूर है। अभी हमारे साथ है रसोना के ओनर, कैफे के ओनर, तो हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार दादा, আমরা দিল ফুজিয়ানা থেকে। এবার আমাদেরকে একটু আপনার ক্যাফের বিষয়ে বলুন, কবে থেকে এই ক্যাফেটা আছে? এটা বিশেষ করে আমার ক্যাফেটা দেড় বছর হতে চলল, মানে দেড় বছর ক্রস করে গেছে, মানে আগামী 19 অক্টোবর এলে আবার দু বছর হবে। এইখানে এটা হচ্ছে বেহালা বকুলতলায় রয়েছে এই ক্যাফেটা। এখানে চাইনিজ কন্টিনেন্টাল তো আছেই, এছাড়া আপনারা পেয়ে যাবেন একটু বাঙালি ছোঁয়া, যারা চাইনিজ কন্টিনেন্টালের ভেতরে একটু বাঙালি ছোঁয়া খুঁজতে চান, একটু ঘরোয়া ছোঁয়া খুঁজতে চান, অবশ্যই রসনাতে পেয়ে যাবেন। আর আপনার এই ক্যাফের টাইমিং গুলো কি সেটা আমার ভিউয়ার্স দের একটু। এটা আমার ক্যাফের টাইমিং হচ্ছে দুপুর 3টা থেকে রাত 10টা অবধি টাইমিং, আপনারা এই সময় আসতে পারেন। এবং পুজোর সময় একটু টাইমে ডিফারেন্ট হবে, মানে একটু সকাল থেকে খোলা দিচ্ছে আছে, এছাড়া মানে শীতকালে সকাল থেকেই খোলা থাকে। ওই আমি বেসিক্যালি যখন পড়াশোনা যখন শেষ করলাম, গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম, তখন আমার রেস্টুরেন্ট খোলার খুব ইচ্ছা ছিল। এবারে আমার বাবা মার একটা রসনা হোম ডেলিভারি ইন ক্যাটারিং সার্ভিস বলে একটা ব্যবসা ছিল, সেটা 22 বছরের ব্যবসা। রসনা নামটা আজকের না, রসনাটা 22 বছরের নাম। সুতরাং এবারে বাড়ির ছাদে আমি বসে বসে ভাবছিলাম যে বাড়ির ছাদটাকে ইউটিলাইজ করা যায়। এবারে বাড়ির ছাদের মধ্যে এই করে মানে আমার একটা বন্ধুকে ডাকলাম, আমার কনসেপ্ট আপনার পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখতে পাচ্ছেন, সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার একজন বান্ধবী আছে ইপ্সিতা বিশ্বাস, সেও একজন ব্লগার, সে মানে তাকে বললাম যে আমার কনসেপ্টটা, সে পুরো জিনিসটাকে বাস্তবায়ন করলো। আর রুফটপের ইচ্ছেটা ছিল কারণ রুফটপে বসে মানে চার সিগারেট দিয়ে মানে একসঙ্গে সহযোগে একটু আড্ডা মারা যায়, সেই আড্ডা মারা যায়, সেই জন্যই আর কি রুফটপের কনসেপ্ট আমার খুব ভালো লাগে। বেসিক্যালি আমরাও তো কলেজে পড়েছি, আমরাও মানে ওই সময় আড্ডা মারতে যেতাম, সুতরাং ওই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে, এই জন্যই খুলে ফেললাম রুফটপকে আর কি। आई एम श्योर आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियोस को आप ऐसे ही लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको जो भी अच्छा लगे बुरा लगे। और मैं क्या कहूँ आपसे, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।